Good morning. Good morning, students. There is two online class. आज हिंदी पढ़ेंगे. हिंदी के first chapter की बात करने जा रहे हैं. हिंदी का first chapter है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मपरिचय. आगोम पुस्तक से किया गया चैप्टर है आत्मपरिचय का चैप्टर है. इसमें हरिवंश राय बच्चन ने चैप्टर पढ़ा लिखी है. इस सप्ताह उन्होंने कहा है आत्मपरिचय. वक्ता का जो शीर्षक है वो आत्मपरिचय है. आत्मपरिचय का अर्थ क्या है? आत्मभाव स्वयं परिचय यानी स्वयं को जानना. आत्मपरिचय स्वयं को जानना. हरिवंश राय बच्चन अर्थात कवि जिसे वक्ता के माध्यम से आत्मपरिचय के माध्यम से कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं का परिचय स्वयं के बारे में अधिकारिक जानकारी होनी चाहिए. किसी भी जानकारी से पहले व्यक्ति को स्वयं को जान लेना चाहिए. यदि वह स्वयं को जान लेता है तो संसार के किसी भी प्रसंग परिस्थितियों का सामना कर सकता है. किसी परेशानी किसी मुसीबत से आसानी से उसका सामना करने में समर्थ है. यहाँ पर वक्ता भी मैं जब जीवन का भार लिए करता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए करता हूँ. कर दिया किसी ने झूठक को इनको छूकर मैं सांसों के जो तार लिए करता हूँ. यहाँ पर कभी कहते हैं कि वह सांसारिक दायित्वों जीवन का भार जीवन के भार का जल जीवन का भार जल जीवन के भार का आशय है कि मैं जल जीवन का भार संसार की समाज की संसार की समाज के कर्तव्य दायित्व उत्तरदायित्वों को लिए हुए उनको निभाते हुए दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपने जीवन को चला रहा हूं. और वह मैंने अपने जीवन का दायित्व का निर्वाह कर रहा वह अन्य व्यक्तियों से अलग नहीं है. सुख दुख आदि को झेलते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहा है. साथ ही साथ कवि कहता है कि वह संसार की तरफ ध्यान नहीं देता है. वह सांसारिक दायित्वों को अनदेखी बात नहीं करता है. वह संसार की निरर्थकता पर ध्यान न देकर केवल अपना ध्यान पर चलवा करते हुए अपने दायित्वों को निभाते हुए केवल प्रेम पर केंद्रित रहता है. आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डरता कुछ नहीं कर पाता. कभी सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता. इन दोनों पंक्तियों में अर्थ है कि वह एक दूसरे के विरुद्ध न होकर एक दूसरे के पूरक है. कर दिया किसी ने झूठा जिनको सुबह सांसों के तो तार लिए करता संसार में रहकर झूठा झूठा का अर्थ है संसार के किसी बात या उसको या किसी बात या उसको या बजाते हैं उसमें क्या वो तार रहते हैं जिसमें से अलग अलग सुख भी करते हैं. उसी प्रकार में संसार में रहकर
संसार की समस्याओं से लड़ते हुए और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए पर लगातार जो कर्तव्यों का निर्वाह करना है वो संसार में किया है। लिखा है मैं शास्त्री को प्राप्त किए फिरता हूँ, मैं स्नेह सुधा का पान किया करता हूँ, कभी नटक का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात संसार की समाज की कुरीतियों अंधविश्वासों परंपराओं इत्यादि कष्टों का सामना करते हुए इनके साथ रहते हुए फिर भी इनकी परवाह न करते हुए इनसे अलग होने की कोशिश नहीं करता और उनके साथ ही अपना जीवन यापन करता। जब पूछ रहा हूँ कुछ व्यक्ति गाते हैं अपने मन का दान किया करता हूँ, जो संसार के अंधविश्वासों को विद्यों को साथ चलते आ रहे हैं मैं उन सबको उन सबसे टकराते हुए अपने अनुसार अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करता हूँ। यहाँ पर कभी है स्वयं को जानना, दुनिया से जानना, दुनिया के जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता घटा गीला होता है, जब जीवन से पूरी तरह रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने संयुक्त और शासन के साथ चाहे खराब करती है पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह नहीं पाता, क्योंकि दुनिया से अपनी पहचान करके उसकी बाधाएं उसकी दुनिया है। अपना प्रतिनिधित्व लगातार दुनिया से कभी के अनुसार समाप्त किया था, कभी के अनुसार स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता अलग अलग तरह का होता है, संसार तरह से निरपेक्ष रहना संसार से तरह से अलग हटकर रहना संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया अपने जन पाठ और शासन प्रशासन चाहे जितना कर सके दुनिया से कटकर मनुष्य कभी नहीं रह सकता, क्योंकि अपनी अस्मिता अपनी पहचान अपना परिवेश ही उसकी स्वयं की दुनिया है। वह दुनिया से प्रभावित होते हुए वह स्वयं अपनी दुनिया में रहता है। कभी कहते हैं लगातार दुनिया से लगातार संबंधों का मत उद्घाटन करते हुए पत्रकार बताए कि दुनिया में संबंध प्रश्न कहता है मेरा जीवन गुरुत्व का साम्राज्य है, उन मानव में अच्छा रोधन में राग सुंदर वाणी का सारी दुनिया टुकड़ा कर उसके भाव से जैसे दुनिया से बोले कुछ बात नहीं है। कभी कहता है
बच्चा कठिनाइयों से गुजर रहा है, क्योंकि बचपन से वह स्वयं कठिनाइयों से गुजर रहा है, कुछ बच्चे क्या करता है, अपनी आशाओं और निराशाओं से असंतुष्ट है, सफलता और असफलता क्या है, असंतुष्ट है, क्योंकि संसार से इतने मुश्किल की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार उसको उसकी जगह पर रखता है, तो उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं, लेकिन वह अपनी दुनिया रहने वाला नहीं है, वह बेकार की तत्वों को विश्वास नहीं रखता, क्योंकि संसार कभी भी उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाया, कभी जताए तो शुद्ध तो यश अभ्यास लाभ हानि आज प्रदात्मक पुस्तकों में वह एक जैसा रहता है, उसके अनुसार यह संसार क्या है, मिथ्या है, जहाँ स्थायी वस्तु की कामना करना व्यर्थ है, इसलिए कभी यहाँ पर स्वयं ऐसा है, सभी प्रकार की पुस्तकों से जूझते हुए अपने आप को स्वयं को संतोष प्राप्त कराने वाला भक्त संतोष से करके रहता है, अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है, कभी कभी अपनी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट करती है, तो संसार उसे यदि अपने जो कुछ स्वर के सामने पर रखती है तो संसार उसे गाना मानता है, संसार उसे कभी कहता है पर तो स्वयं को नया गाना कभी स्वयं को नया गाना मानता है, वह संसार करने की तो अपने द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है और कभी सभी से सामान्य को बनाए रखने के लिए कहता है, शाम होते ही अपने लक्ष्य को तेजी से कम बढ़ाने लगता है, रात में रात होने का भय होता है, जीवन भर पर चलते हुए व्यक्ति का अपने लक्ष्य से निकट का और बढ़ जाती है, और इस प्रकार से कभी स्वयं जीवन की कठिन परिस्थितियों से डरते हुए और संसार की असफलताओं से टकराते हुए अपने रोमन के रात अपना अपना गाना गाना संसार से टकराते हुए अपने जीवन में अपना वेश लिए अपने बारे में अपने लिए अपनी बस्ती के लिए संसार में इंतजार करता है, तथा परिस्थिति से डरते हुए ये कविता का सार है, आत्मपरिचय कविता का सार है, इस कविता के अर्थ पर पुनः बात विचार करेंगे, इस कविता के अर्थ को पुनः दोबारा तक दोबारा सुनाएंगे, ये पाठ का मैंने साधना समझा दिया, आत्मपरिचय पाठ का सार यही था कि कभी यहाँ पर स्वयं को जानना जरूरी है, कभी संसार की सब परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने जीवन का निर्वाह अपने उत्तरदायित्व का कर सकता है, तो यहाँ पर कभी ने बहुत सारे चीजों का वर्णन किया जो मैंने आपको बता दिया, अब अपन इसके अर्थ पर बात करेंगे, तो सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर पर आते हैं, कभी एक ओर जब जीवन का भारतीय घूमने की बात करता है, दूसरी ओर मैं कभी न जब का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते हैं कर्मों का आशय, प्रश्नोत्तर पर बात करें, जब जीवन का भाग लेने से कर्मों का आशय तो सामान्य कर्मों का बल निर्वाह करता है, वहां में कुछ वाला नहीं है, शुद्ध प्रकार को झेलते हुए मुक्ति यात्रा पूरी कर रहा है, किसी और कभी कहता है कि संसार को जब ध्यान नहीं देता कभी यह साधना है कैटों के लिए बात नहीं करता, वह संसार की निर्भर बातों पर ध्यान न देता केवल प्रेम पर केंद्रित करता है, आम व्यक्ति बाधाओं से डरकर कुछ नहीं कर पाते, कभी सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता है, अतः दोनों पंक्तियों में अर्थ है निहित अर्थ है, ये एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक है, बेकार मानते हुए किसी के चक्कर में फंसा रहता है, यह संसार असत्य है, मनुष्य उसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मूर्ख के लक्ष्य को भूलकर संसार में रहते हैं मैं और
विशेषता यहाँ और शब्द की बात की हुआ है और कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक बार उपयोग वहां का यम अलंकार होता है साथ ही साथ उसके अर्थ भी हो तो यहाँ यम अलंकार है और पहले ओवर में कवि शैल को आम व्यक्ति से हटाता है और आम व्यक्ति की तरह भौतिकियों के संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ता और दूसरी संसार की विशेषता विशेषता को बताया गया है संसार में आम व्यक्ति चाहता है कुछ सुविधाओं को अंतर्गत सुनाता है यह प्रवृत्ति कवि की विचारधारा से अलग है तीसरे ओवर का प्रयोग किया है कवि ने उसका अर्थ है संसार और कवि में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है यह दर्शाने के लिए तीसरे ओवर का प्रयोग किया है सिंगल वाणी में आधुनिक का क्या लगता है कभी ने यहाँ विरोधाभास उनका अलंकार प्रयोग किया है कभी वाणी जब अत्यंत शीतल है परंतु उनके मन में विद्रोह का संतोष का भाव प्रबल है वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है प्रेम ने संसार को स्वीकार करता है तथा अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करता है अपने विपद दल को ईमानदारी से निभाते हुए जागृत भी कर रहा है बच्चे के स्वास्थ्य की आसानी जीवन से भाग रहे हुए पक्षी जंगल खेल की तरह से भटकते फिरते हैं उनके बच्चे घोंसलों में माता पिता की राह देखते हैं कि माता पिता उनके लिए दाना लाएंगे उनका पेट भरेंगे साथ साथ में माँ बाप की स्नेह स्पर्श पाने की इच्छा करते हैं छोटे बच्चे को माता पिता का स्पर्श उनकी गोद में बैठना और पत्ते प्रदर्शन उसी आनंद देता है घोंसलों से जाते हैं दिन जल्दी जल्दी घटता है कि आपके अपने रास्ते के लक्ष्य के लिए हमेशा तैयार रहता है क्योंकि आपके समय के निरंतर चलाना भी बताती है समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता था समय के साथ स्वयं को समायोजित करना ही कार्यों के लिए आवश्यक है अगला है संचार में प्रथम कहते हैं कि खुशी और उत्साह और कैसे प्रेरित हो सकता है सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ मनुष्य हर संबंध का निर्वाह करता है उसे जीवन में अनेक तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है कष्ट सहना मानव की नियति है सुख दुख समय के अनुसार आते जाते रहते हैं मनुष्य को दुख से परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि दुखों के बिना सुख की सच्चे सच्चे सुख की सच्ची अनुभूति नहीं पाई जा सकती अतः मनुष्य को संतुलित संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर जीवन को प्रदान यथा खुशी पूर्वक जीवन जीना चाहिए और निरंतर में काम में लगे रहकर कि वह अपने सपनों को पूरा सकता है इस आपसे आपका बस के दोनों कविताओं का कविताओं के प्रश्नों का उत्तर और आत्म परिचय का साथ आत्म परिचय में यहाँ पर कई बताया था कि संसार के अर्थ अंधविश्वासों कोई दुनियों से लड़ते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना भी अनिवार्य है और उस संसार को हटाते हुए अपने आपको बताया करना था कि अपना निर्वाह करता है वो स्वयं को जानता है उसी के साथ दूसरा था इसमें लगता उसका साथ भी उसके प्रसन्नता भी आपको जीवन बच्चे पर बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन बच्चे भाषा में सम्मेलन शक्ति
जहां पक्का होता प्रकृति जब विशेषता नीति का संचालन होती दर्शन लोकप्रियता का मूल आधार मजबूत वार्षिक एकमी उमल नियम का मकारा का मतलब रहता है प्रारंभिक घटना को प्रतिष्ठित दुर्सारा में एक अद्भुत भाग उत्तार आता है संसार जीवन की एक तरह बात क्या है मुक्त सुरक्षा मतलब है दुनिया में सारा है बाकी जो कल्पना साथी है और सबका उसने कह रहा है इसने हलकर जीवन जो है पाठक को खिलाया जाता है अच्छा बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म जो 1907 इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में रहने के बाद उन्होंने शिक्षा ग्रहण की शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्राध्यापक आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों में उन्होंने विशेष हिंदी विशेषज्ञ रहे ठीक लगातार हिंदी विशेषज्ञ रहने के साथ साथ फिर उन्होंने जो है ना हिंदी काव्य को एक नई दिशा प्रदान की जहाँ पर उन्होंने कई रचनाएं की हैं और उनका निधन 2003 में मुंबई में हुआ था और उनकी प्रमुख रचनाएं थी मधुशाला मधुबाला मधुकर निशा मंत्र इत्यादि विशेष है क्या रचनाएं थी इत्यादि रचनाओं में जो है प्रभावित थी उमर खय्याम की मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला जो थी एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है कि उन्होंने उसको बताया कि जीवन एक तरह का क्या है मधुकर से और दुनिया मधुशाला है ठीक इस प्रकार से उनकी रचनाएं थी और उन्हीं के द्वारा रचित ये आत्मपरिचय कविता थी इस आत्मपरिचय कविता की मैं आपको मैंने बताया था उसी प्रकार से उसका सार सार आपको बताया और प्रश्नोत्तरों के अर्थ प्रश्नोत्तर बता दिया आपको और इस शेयर पर बात करेंगे नेक्स्ट और आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त किया गया है।